और अहम खबर, बीजेपी नेता सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश की नई सरकार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता की बागडोर सौंपी है। ऐसे में अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि लोगों से किए गए वादों को पूरा करे। लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के विकास के रथ को पूर्व जयराम सरकार की तरह ही तेज गति से चलाए रखने का आह्वान किया। पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। गवर्नमेंट अच्छा करे, हिमाचल को आगे लेकर के जाएं और हिमाचल में विकास की गति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जयराम ठाकुर जी के सहयोग से चल रही है, उस विकास को आगे बढ़ाएंगे तो हिमाचल का भला होगा। अगर उन विकास के कामों में जैसा कांग्रेस का पुराना इतिहास है रोड़ा अटकाएंगे तो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश का नुकसान होगा। और हम सब लोग अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन हिमाचल हम सब का है, देश हम सब का है, इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठे होकर के विकास के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, समाज के निर्माण के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये गवर्नमेंट अच्छा करेगी और हम लोग विपक्ष में हैं, अगर अच्छा नहीं करेंगे तो समय समय पर हम लोग इनको आगाह करते रहेंगे, इनके ध्यान में लाते रहेंगे, क्योंकि